जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे ईबीएस के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए हम बिना देरी करें उन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात राज्य में है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, यह UP SSSC और SSC के एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं चिपको आंदोलन के जो संस्थापक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ये, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, जितने भी शाकाहारी होते हैं, वे जैविक समुदाय के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद है, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है, यानी कि किस बैक्टीरिया के कारण जो दही का निर्माण किया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस जो यह बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा दही का निर्माण किया जाता है, जो दूध से दही जमाया जाता है। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। तो ऐसे जीव को हम सहभोजी कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब मोर सांप को खाता है तो सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पेड़ पौधों को खाता है, तो मोर का पोषण तल क्या है। तो मोर का पोषण तल होता है खाद्य प्रावीण्य में शीर्ष पर। तो यानी कि खाद्य प्रावीण्य ऐसा बनेगा, तो इसमें जो मोर का जो पोषण तल होता है वह शीर्ष पर होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं तो कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं। यह प्राथमिक चरण के उपभोक्ता यानी कि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लेग क्या है। तो प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, जीवाणु से होने वाला रोग है प्लेग। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिर वन्य जीव अभयारण्य किस जीव का संरक्षण करता है, यानी कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस जीव के लिए फेमस है। तो यह शेर के लिए फेमस है, तो यह शेर के लिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन मफलर किस से संबंधित है। तो यह ध्वनि प्रदूषण से है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस गैस के कारण भोपाल में त्रासदी हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। तो कौन सा, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो यह है जो वृक्ष है नीम। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन फिर जो 15 बार बार रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो वह आपके एनवायरमेंट के जो बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, वो आपको करा दिए गए हैं। और 15 ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो 2023 और जो 2022 के लास्ट में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं ये 15 क्वेश्चन जो आप कराएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल पर आप जो करंट अफेयर है लास्ट 6 मंथ की, जो 2023 के हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और मंथली करंट अफेयर भी आपकी क्लास इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे करंट अफेयर, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यह सूर्य है, सूर्य जो है ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कौन सा प्राकृतिक मरुस्थल प्रदेश में पाई जाती है, कौन सी वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। तो यह है कैक्टस, कैक्टस का पौधा यह है मरुस्थल में ही पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो जेट्रोफा जो ये बायोडीजल की एक फसल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था।
तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में, वर्षा वन बायोम में, तो इनमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? यह परत जो होती है यह समताप मंडल में होती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? तो यह भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को जो जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है यह पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जो मनाया जाता है तो वह जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आप इन्हें कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक मार्क का संबंध किससे है? तो यह गुणवत्ता से है, एक मार्क का संबंध। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो 10वां क्वेश्चन है, तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो यह है पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद देखेंगे, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम यह 1972 में पारित किया गया है। इसके बाद देखेंगे, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया किसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? तो यह किडवन के द्वारा दूध से जो दही बनाने की प्रक्रिया होती है। तो आप यह मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इस क्वेश्चन को लगाएंगे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोलॉजी किसे कहते हैं? तो इकोलॉजी जीव और पर्यावरण यह क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इकोलॉजी जीव एवं पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है उसे इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो जो फूलों की घाटी है यह उत्तराखंड में आपको देखने को मिलती है, फूलों की घाटी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो यह एमडरसन डम में है। तो यह आपका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ आपको जो वीकली करंट अफेयर आपको जल्दी इसी चैनल पर मिल जाएगी, और जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं 2023 के लिए वह आपको लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर वाली जो क्लास है उसमें करा दिए गए हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।